अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महमूद साजिद और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी विद महमूद साजिद। हमने स्टार्ट किया हुआ है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, जिसमें आज हमने पढ़ना है द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हम इनहेल किस तरह करते हैं और एक्सहेल किस तरह करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चले अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। दी लंग्स, पहले हमने पढ़ा था दी एयर पैसेज वे, अब दूसरा उसका पार्ट है दी लंग्स। अब लंग्स को कहाँ पे मौजूद होता है? थोरैक कैविटी में, ठीक है। एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, एक साइड की एक पार्ट लंग का और दूसरा पार्ट। अब लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारी पसलियों ने, जिसको हम कहते हैं रिब्स। इसको ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी टोटल 24 रिब्स होते हैं, और रिब्स के मसल को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है डिफाइन डायफ्राम, जो हमारे रिब्स है उसके नीचे, या इधर लिखा है लंग्स के नीचे, वैसे रिब्स के नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। आगे इससे आगे लिखा हुआ है, थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में, थिक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर। आप वो लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इधर लिखा हुआ है थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कि जो ब्लड वेसल्स होती है लंग्स की, लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, वो क्या कहती है पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स के जरिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करती है, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इनकी जो है ना दो लेयर होती है बाहर, जिसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल लेयर और मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये रही इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाली है, और ये रेड वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और अंदर फ्लूइड, ये बीच में फ्लूइड है, और ये लंग्स टिश्यू है। ये इधर की इसने डायग्राम बना के बताई हुई है। तो ये मेम्ब्रेन होती हैं जो इसे प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। वैसे रिब्स असल प्रोटेक्शन करते हैं, जो कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं, टोटल 24 हो गए। अब दी लंग्स आगे, अब आगे है टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी किस मैकेनिज्म के जरिए हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो फिजिकल मेथड है जिसको हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज करते हैं, हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग की जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या कहते हैं उसके गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में, उसमें हमने ब्रीदिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अच्छा, ब्रीदिंग की दो फेसेस होते हैं, एक इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन का मतलब है इनहेल करना, ऑक्सीजन लेना, एक्सहेलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड देना। अब ये दो प्रोसेस कैसे होते हैं? पहले इनहेलेशन का मतलब है, इनहेलेशन को कहते एक और नाम है इनहेलेशन का, वो है इंस्पायरेशन, टेकिंग इन एयर। और जो एक्सहेलेशन है उसका दूसरा नाम है एक्सपायरेशन, जिसको हम कहते हैं टेकिंग आउट एयर। पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन कैसे होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट है, ये सीना, ये ऊपर की तरफ जाता है। अब ये ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा, जो रिब्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और इससे क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। डायफ्राम बिलो द लंग्स मौजूद था, वो नीचे की तरफ जाता है, और जो हमारा लंग्स का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। ये होते हैं इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, चेस्ट गोज अपवर्ड, रिब्स राइज अप, चेस्ट ऊपर की तरफ जाती है, रिब्स ऊपर की तरफ जाते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, वो इसका उल्ट होगा, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो चेस्ट डाउनवर्ड की तरफ जाता है, वही इनहेलेशन जो एक्सपायरेशन है उसका उल्ट होगा, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो चेस्ट नीचे की तरफ आएगी, रिब्स नीचे की तरफ आएंगे, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, और जो लंग्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और लंग्स जो हमारे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आगे है कि हम ब्रीथिंग रेट क्या है, हम कितनी एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी रेस्ट पे होते हैं, तो हम 60-20 टाइम्स पर मिनट, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं एयर के इन और आउट के एट रेस्ट पे, ये इसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड
रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये लंग्स कंट्रोल नहीं करते, ये कंट्रोल करता है ब्रेन। ऑर्गन जो है वो हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो लंग्स है, कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई बहुत मुश्किल काम करते हैं जिससे हमें सांस चढ़ जाता है, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उससे हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। 60 to 20 times पर मिनट था वो नॉर्मल था, अब जब हम हमारा रेट बढ़ गया तो क्या होगा, 30 to 40 times पर मिनट होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन कहता है कि रिस्पायरेटरी से जो प्रोसेस है वो हमने ज़्यादा करना है, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम वो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रेट हमने कंट्रोल करना होता है। ये था ब्रीदिंग रेट। इसके बाद है इन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड गैस। अब हम अमाउंट ऑफ गैस, हम 21% ऑक्सीजन है वो अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, जिनमें से हम 16% वापस कर देते हैं, यानी सिर्फ हम रखते कितने हैं, 5% रखते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.04% लेते हैं और उन्हें 4% वापस करते हैं इन्वायरमेंट को, और जो नाइट्रोजन है वो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, हम 79% लेते हैं और 79% ही वापस कर देते हैं, जबकि जो वाटर वेपर्स है वो वेरिएबल्स होते हैं लेकिन हम सेचूरेटेड उन्हें वापस करते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो तो हमारी नाक नहीं रोक लिए, हम अंदर लेके नहीं जाते, वो वेरिएबल हम लेते हैं और हम उन्हें ऑलमोस्ट ना, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर वापस करते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो भी वेरिएबल हम लेते हैं, लेकिन जो हमारे नाक होते हैं वो हमारे बॉडी के हिसाब से उसे इक्वल कर देता है, इसलिए हम वापस कितना करते हैं, एक बॉडी टेम्परेचर इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू आवर बॉडी टेम्परेचर। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इनहले दी लंग्स पहले पढ़ा, फिर इनहलेशन और एक्सहलेशन के बारे में पढ़ा, जिसको हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं, फिर हमने ब्रीदिंग रेट पढ़ा, और अब कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड गैस। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक इतना ही था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डिसऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग, तो वो वीडियो ना देखना भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।